नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिना डाई किए अपने सफेद बालों को काला करना चाहते हैं तो आज का मेरा ये तेल बनाने का तरीका, लगाने का तरीका ध्यान से फॉलो करिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके बाल जड़ से सफेद हो चुके हैं, आप भी बहुत महंगा पैसा खर्च करके डाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं और उससे आपका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया है, या वैसे भी आपके बालों का झड़ना रुक नहीं रहा, तो आज का मेरा ये तेल आपके सफेद बालों को तो काला करेगा ही करेगा, वो भी जड़ से, और साथ में आपके बालों को वॉल्यूम देगा, आपके बालों में एक नई जान और नई शाइन लेकर आएगा, आपका हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप कर देगा, क्योंकि अकेला तेल आपकी सारी बालों की समस्याओं को जड़ से खत्म करने का बहुत ही रामबाण नुस्खा है। तो चलिए इस तेल को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है वो जान लेते हैं। सबसे पहले चाहिए आपको कलौंजी। कलौंजी में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके नए बालों को उगाने और सफेद बालों को काला करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये आपके बालों में नई जान लेकर आते हैं क्योंकि इसमें होते हैं प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, जो आपके स्कैल्प में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कमी की वजह से, आपने नोटिस करा होगा जब हम कुछ अच्छी डाइट नहीं लेते तो हमारा हेयर फॉल होता है, हमारे शरीर पर एजिंग बहुत जल्दी आ जाती है, तो ये उन सारी कमियों को दूर करता है, आपके जड़ों को स्ट्रांग बनाता है ताकि आपका जो भी नया बाल उगेगा वो काफी स्ट्रांग होगा, टूटेगा नहीं और आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे। इसके साथ अपना दूसरा मेन इंग्रेडिएंट हम लेने वाले हैं मेथी दाना। मेथी दाना में होता है निकोटिक एसिड जो आपके बालों का झड़ना रोकता है, आपके बालों में नई जान लेकर आता है और साथ में आपके वाइट बालों को काला करता है। ये दोनों चीजें आपके बालों के लिए वरदान हैं। अब इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं नारियल का तेल। नारियल के तेल में होता है विटामिन ई भरपूर मात्रा में जो आपके बालों में चमक लाता है और उनको मुलायम करने में मदद करता है। अब जान लेते हैं इसको बनाना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आपको कलौंजी के जो बीज हैं उनको मिक्सी में ग्राइंड करना है और मेथी के दानों को अलग से ग्राइंड करना है। दोनों को आप ध्यान रखिएगा, अलग अलग ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है। अगर आप एक साथ ग्राइंड करेंगे तो वो दरदरा रह जाएगा, प्रॉपर पाउडर नहीं बन पाएगा। दोनों का पाउडर बना के उसके बाद आप एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई जब आपने ले ली तो उसमें डाल लीजिए एक महीने के अकॉर्डिंग नारियल तेल, उतनी क्वांटिटी आप लेके डाल लीजिए। जैसे ही नारियल तेल गर्म होने लग जाए उसके बाद आप इसमें कलौंजी का पाउडर और मेथी दाने का पाउडर ऐड कर दीजिए और उसको धीमी आंच पे रख दीजिए। जैसे जैसे तेल गर्म होने लगेगा 5 मिनट बाद आप देखेंगे ऊपर झाग सी आने लगी है, तब आप इसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद इसको 5 मिनट तक अच्छे से उबलने दीजिए और जैसे ही उबल जाए तो उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए और छन्नी की मदद से इसको छान कर एक बर्तन में निकाल लीजिए। ध्यान रखेगा लेकिन कांच के बर्तन में ही स्टोर करें और इसका ढक्कन बंद कर दें। जब भी आपको लगाना हो अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों की लेंथ तक लगाएं और उसके बाद 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे बाद आप शैम्पू कर लें। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है। 1 महीना लगातार अगर आप इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी इसको इस्तेमाल करके अपने गंजे सर पर भी बाल उगा सकता है। और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहे तो आपसे ये गुजारिश है कि वो एक्सपीरियंस कमेंट के थ्रू जरूर जाहिर करिएगा ताकि आपके कमेंट से बाकी लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। और ऐसे ही कुछ नया और बेहतर देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और छोटी सी घंटी टंटन आइकन उसको जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बस अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस वीडियो को जमकर शेयर करें और ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।